92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। सच तो यह है कि यदि कुछ पाना है, किसी से कुछ सीखना है, किसी से कुछ प्रेरणा लेनी है, तो सबसे पहले खाली गगरी होनी चाहिए जिसमें हम कुछ उनसे लेके, गुरु से प्राप्त करके उसमें कुछ भर सके। यदि हम अपना घमंड भरा हुआ मन लेकर उनके पास जाएंगे, किसी से भी कुछ सीखने जाएंगे, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आपको यदि कुछ सीखना है तो खाली गगरी हो जाइए, आप सीख जाएंगे। लेकिन यदि आपने यही समझा कि मुझे तो सब आता है, मुझे कुछ सीखने की क्या आवश्यकता है, तो नया कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप पात्र बनिए कुछ ग्रहण करने के लिए। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन उसे तब ग्रहण कर पाए जब उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया कि हाँ, अब मैं तैयार हूं और आप जो बताएंगे वो मुझे समझ में आएगा। इसलिए पात्र होना बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि इस रणभूमि में आपने मुझे भगवद गीता का ज्ञान दिया, यहां तो कौरव भी हैं, उन्होंने भी सुन लिया होगा। कृष्ण ने कहा, नहीं, वो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो घमंड से भरे हुए हैं, उनकी गगरी में जगह नहीं है कि वो उसमें कुछ नई बात सीख सकें और उसमें भर सकें। तुमने अपनी गगरी खाली की और तुमने समर्पित किया, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए ज्ञान प्राप्त वही कर सकता है जो अपने को पहले एक विद्यार्थी, एक छात्र और एक खाली गगरी की तरह ऐसा पात्र बनाने का प्रयास करे। तो वापस लौटते हैं आज का पंचांग लेकर 92.7 बिग एफएम पर। आप मेरे साथ हैं यानी अनूप जलोटा के साथ सहर में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7।